औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपने समर टास्क का नेक्स्ट पेज करने जा रहे हैं, जिसका टॉपिक है वोकैबुलरी एनरिचमेंट। व्हाट इज मेंट बाय वोकैबुलरी? वोकैबुलरी का मतलब होता है कि आपकी जो वर्ड्स की कलेक्शन है लैंग्वेज में वो कितनी ज़्यादा है, आपने कितने न्यू वर्ड्स सीखे हैं। इनरिचमेंट का मतलब होता है कि उसमें और ज़्यादा इजाफा हो, आप न्यू न्यू वर्ड सीखें। स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक बहुत मज़े का है और हम इसको करते हुए बहुत इंजॉय करेंगे, बल्कि बहुत इजी टॉपिक है। आज आपने क्या करना है, जस्ट क्या करना है, इनको डायग्राम्स को आपको पिक्चर दी हैं, आपने इनको लेबल करना है। ओके जी, फर्स्ट पिक्चर हमारे पास एक है, किसकी है ये? ट्री की, ट्री की। ओके, और इसके हमें ऊपर पार्ट्स भी दिए हुए हैं, कौन कौन से? ट्रंक, ट्रंक किसको कहते हैं? जो दरख्त का तना होता है। रूट्स, जो उसकी जड़ें होती हैं। ट्विग, जो छोटी छोटी शाखें होती हैं। ब्रांच, जो लंबी शाख होती है। एंड लिम्ब, जो उसके जोड़ होते हैं, जॉइंट होते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, अब आपको यहाँ पे डिफरेंट पार्ट्स जो हैं वो मेंशन किए हुए हैं विद द हेल्प ऑफ एरो, और अब आपने उनके अकॉर्डिंगली उनके नेम राइट करने हैं। फॉर एग्जाम्पल, सबसे लास्ट में आपको जो एरो बना हुआ है वो किस चीज़ की तरफ रिप्रेजेंट कर रहा है? व्हाट आर दीज? दीज आर द रूट्स। ये क्या है? ट्री की रूट्स हैं, यानी कि उसकी जड़ें हैं। ओके जी, नेक्स्ट कम्स इज, नेक्स्ट एरो किस तरफ इशारा कर रहा है? दिस इज द ट्रंक। ट्रंक किसको कहते हैं? दरख्त के तने को। ये क्या है? दरख्त का तना है, तो आप यहाँ क्या लिखेंगे? ट्रंक। ओके, नंबर थर्ड आपको एरो जो इशारा कर रहा है वो किसकी तरफ कर रहा है? ये क्या है? ट्री के लिम्ब है, उसके जॉइंट्स हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट लाइन आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नेक्स्ट एरो क्या शो कर रहा है ये आपको? यस, दिस इज द ब्रांचेस, दरख्त की शाखें। और लास्ट में जो आपको एरो है वो क्या मेंशन कर रहा है? जो छोटी शाखें होती हैं, ट्विग, उनको क्या कहते हैं हम? ट्विग। ओके डियर स्टूडेंट, आई होप सो आपने इसको इंजॉय किया होगा और अब आपको समझ आ गया होगा कि लेबल किस तरह करते हैं। और वन मोर थिंग जो आपने इससे आज लर्न की, कि आपने कुछ न्यू वर्ड्स भी सीखे, जैसे कि ट्विग एंड लेम। सो स्टूडेंट, अब नेक्स्ट जो डायग्राम है वो आपने खुद अटेम्प्ट करनी है। आई होप कि आप इसको ईजीली कर लेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, फी अमानिल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपने समर टास्क का पेज नंबर 6 अटेम्प्ट करने जा रहे हैं और हमारा टॉपिक है सॉल्व द पज़ल। ओके जी, हमें पज़ल सॉल्व करना है, किस तरह से करना है? लेट्स सी। द आंसर टू ईच वर्ड पज़ल इज़ अ नाउन बिगिनिंग विद आर, ई और एम। राइट द आंसर इन द ब्लैंक बिलो ईच पज़ल। ओके जी, आपका जो हर वर्ड पज़ल का जो आंसर है वो एक नाउन है, जो किससे बिगिन हो रहा है, कौन से 3 लेटर्स से? आइदर द लेटर इज आर, ई और एम। ओके जी, आपने आंसर ब्लैंक में लिखना है ईच पज़ल के सामने। हमारा फर्स्ट है सेंटेंस, अ ड्राइड ग्रेप यूज्ड इन फ्रूट केक। खुश्क अंगूर जो कि फ्रूट केक में यूज होता है। हाँ जी, तो इसका क्या होगा? इसका आंसर होगा रेजिन। रेजिन कहते हैं किशमिश को। ओके जी, जो किस तरह बनती है? जो हम ग्रेप्स को ड्राई करते हैं। नेक्स्ट इज, दिस कैन ट्रांसपोर्ट यू इनटू स्पेस। ये आपको स्पेस में ले जा सकता है। ओके जी स्टूडेंट्स, हम एरोप्लेन पे तो ट्रैवल करते हैं, लेकिन कौन सी चीज़ हमें स्पेस में लेके जाती है? हियर इज द पिक्चर। नो, वी डोंट हैव अ पिक्चर। ओके, सो द आंसर इज रॉकेट। किस पे? रॉकेट। ओके, थर्ड इज, अ टाइप ऑफ ब्रूम दैट यू यूज टू क्लीन द फ्लोर। ब्रूम कहते हैं झाड़ू को, झाड़ू की ही टाइप होती है जिससे हम क्या करते हैं, फर्श साफ करने के लिए जिसको हम यूज करते हैं। तो द आंसर क्या होगा? मॉप। मॉप की आपको पिक्चर भी बनी हुई है इस टाइप का, इसको मॉप कहते हैं, इसको हम पोचा भी बोलते हैं। ओके जी, अ मूविंग स्टेयर केस। एक आपने सिंपल स्टेयर केस तो देखी है, सीढ़ियाँ, लेकिन क्या मूविंग भी होती हैं? यस, मूविंग स्टेयर केस भी होती है, जो किससे चलती हैं? बिजली से, इलेक्ट्रिसिटी से। और उनको, उसको क्या कहते हैं? एस्केलेटर, चलती हुई सीढ़ी।
Okay, last is you need this for lightning and to run things like computers and machines. Okay जी, आप इसको किस लिए यूज करते हैं? आपको ये नीड होती है बिजली की चीजें चलाने के लिए, कंप्यूटर्स एंड मशीन्स. ओके, सो इसका आंसर होगा इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि बिजली. लास्ट इज दिस इज समटाइम्स कॉल्ड अ शूटिंग स्टार. अ शूटिंग स्टार, ठीक है, इस टाइप का होता है जिसको समटाइम्स शूटिंग स्टार भी कहा जाता है. इसका आंसर होगा मीटियोर. मीटियोर मीन्स कोई भी टूटा हुआ तारा, जो भी टूटा हुआ तारा टूटता है उसको कहते हैं. होप सो स्टूडेंट, आपको ये पजल सॉल्व करने में आप कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. मैंने आपको हेल्प आउट कर दिया. टिल देन, अल्लाह हाफिज़. पी अमान अल्लाह.